बरेली में जिला अस्पताल के 3 फार्मासिस्ट हुए कोरोना पॉजिटिव। जिला अस्पताल में उस समय मचा हड़कंप जब जिला अस्पताल के फार्मासिस्ट अंकित यादव की जांच कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं साथ में रह रहे फार्मासिस्ट को पता चला कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने जांच कराई तो समीर खान, शंकर दत्त सनवाल भी पॉजिटिव आए। फिरोजाबाद में उद्योगपतियों ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन लेवल की कमी झेल रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन बैंक खोलकर एक अनोखी पहल शुरू की। उद्योगपतियों ने अपनी कांच फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर स्वास्थ्य विभाग को भेजना शुरू कर दिया। खुशहाली है कि हमारे आदरणीय DM साहब और माननीय विधायक जी और उनके प्रयास से हमारे जो सम्मानित उद्योगपति लोग हैं उन्होंने स्वयं आगे आके इन दोनों के प्रयासों से एक अच्छा खासा ऑक्सीजन का बैंक पहली बार ये कहीं किसी जनपद में मैं तो समझता हूँ हुआ होगा कि हमें लगभग 1200 सिलेंडरों का हिसाब किताब उन लोगों ने किया है, जिसकी वजह से जहाँ पूरा देश इस समस्या से हाँफ रहा है, जूझ रहा है, हम काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ इतनी बढ़ी हुई डिमांड है, कई गुना बढ़ चुकी है, उससे हम इस समस्या से हम निजात पाए हुए हैं। और इसी तरह से आगे इन लोगों का ये सहयोग चलता रहेगा और मुझे लगता है हम अपने इस ज़िले में ये ऑक्सीजन की किल्लत वाली चीज़ को आने नहीं देंगे। बरेली में यूं तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा, लेकिन आलम ये है दिल्ली बाईपास पर तो निजी अस्पताल के पास इस्तेमाल की गई PPE किट और अन्य मेडिकल बाई वेस्ट सड़क किनारे फेंका जा रहा। नगर निगम ने लापरवाही करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की। ध्यान लिया है, जब तक हम आइडेंटिफाई करा के नहीं देंगे इस तरीके के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज कि अगर यूज्ड की हुई चीज़ है तो मैं इसमें, मुझे ये बरेली बाईपास में एक अस्पताल है उसका संज्ञान है और मैंने वहाँ के मैनेजमेंट को अभी पत्र इशू किया है कि इसमें मुझे तत्काल बताएं। और मैं अपने सहायक अधिकारी से इसकी जांच भी करा रहा हूँ कि उनका मेडिकल बायोवेस्ट सिस्टम या जहाँ भी उन्होंने सिस्टम बनाया है ये डिस्पोजेबल्स को डंप करने का, उसमें क्यों लापरवाही हो गई। तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर कोई भी चीज़ हमारे संज्ञान में आती तो वी विल टेक दिस। चित्रकूट मानिकपुर में पेयजल के लिए तरस रहे ग्रामीण, पेयजल संकट में ग्रामीणों में मचा हड़कंप। चौहड़े, कूप, तालाब सभी सूख, गांव में लगे हैंडपंपों ने भी दिए जवाब। बरेली के विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हुई खत्म। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों को हॉस्पिटल से जबरदस्ती किया जा रहा डिस्चार्ज। वहीं तीमारदारों के लिए बड़ी समस्या, आखिर कहां ले जाएं अपना मरीज। अरीन साथ प्रॉब्लम खांसी थी, बदायूं से आई हूं मैं, 7 दिन हो गए। इन्होंने कहा था परसों आराम था, बहुत खुद बैठ गए वो ऑक्सीजन हटा के, फिर उन्होंने बाद में AC चला दी दो, उससे कंडीशन बिगड़ गई। और आज भी कह रहा है यहाँ से ले जाओ इन्हें, कोई बेड भी खाली नहीं, कोई ऑक्सीजन भी नहीं है, कहाँ ले जाऊँ मैं, बता ही दे रहा है जी लोग। और कोरोना पॉजिटिव थे, वो रिपोर्ट ही नहीं बताई है इन्होंने अभी तक, इलाज शुरू कर दिया। 1.5-2 लाख हो गए, 7 दिन हो गए, 1 लाख दिनों जमा कर दिया, दवाई है अलग, यही साथ में परेशानी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।